गए संत। एक कौआ ने सोचा कि हंस को मोती चुगना पड़ता है और मैं भिष्टा खाता हूं, तो कहीं से खड़िया ले आया और खड़िया लाके पूरी चोंच रंग ली, पूरा सिर रंग लिया, सफेद सफेद पंख कर लिए, सफेद सफेद पैर कर लिए और मटक मटक के हंस की सी चाल चलने लगा, तो क्या हंस हो जाएगा? साधु का भेष नहीं होता है, साधु की रहनी होती है, साधु का स्वभाव होता है। गोस्वामी जी ने संत और असंतन को भेद को बताव तो बड़ा तिलक लगा के, मोटी कंठी माला पहन के, शरीर में भस्म लगा के, जटा बढ़ा के संत नहीं हो सकता है। संत की रहनी और स्वभाव होता है। क्या स्वभाव होता है संत का? बोले पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया। तीन प्रकार से परोपकार होता है। वचन से, जिसके पास पैसा नहीं है, कोई भीख मांगने वाला आया, बोले हमको कुछ भीख दे दो, अब तुम्हारे पास नहीं है तो बतला दो, उस घर पे चला जा, वहां भिक्षा मिल जाएगी। ये परोपकार वचन से है। या किसी पैसे वाले से कह दो कि बाबूजी आप पे तो बहुत पैसा है, क्षेत्र लगा दो, गरीबों को भोजन करा दो, संतों का भंडारा कर दो, इसे भी परोपकार कहते हैं वचन का। वचन भी नहीं कर सकते हो तो जहां संत कथा मंडप है वहां झाड़ू लगा दो, मंदिर की सीढ़ियों पर झाड़ू लगा दो, पानी लेके पहुंच जाओ जहां प्यासे पथिक आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको पानी पिलाओ शरीर से। वचन मन काया, शरीर से करो। परंतु कहने से कर किया, नाम के लिए किया, वो संत नहीं। जिसके जीवन में ये स्वाभाविक क्रिया हो कि मुझे तो जाना है, प्यासों को पानी पिलाना है, भंडारा करना है, मंदिर में झाड़ू लगानी है, कथा मंडप को साफ करना है, वो संत है। इसके बाद रहना एकांत का, जपना श्री भगवान, एकांत में भजन करे चारों को दिखा के नहीं। अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम श्रद्धा क्षमा सर्वजन का प्रियत्वम निर्लोभ दाता भयशो कहानी साधुष्य नानाम दस लक्षण। साधु में क्रोध नहीं होना चाहिए, ऊपर से दिखाए पर हृदय से नहीं। वैराग्य होना चाहिए, किसी भी वस्तु में लिप्त, ये मेरा नहीं, एक दिन छोड़ना। इंद्रियों को जीतो, जिस समय टीवी देखने का मन करे उस समय मंदिर में ठाकुर को देखो, जिस समय रसगुल्ला खाने की इच्छा हो उस समय सूखी रोटी खाओ, सबके प्रिय बन जाओ, कोई भी ये न कहे कि अरे इसको दूर करो। निर्लोभ दाता, लोभ नहीं होना चाहिए, अगर 2 रुपए हैं तो वो भी दान कर दो, ये जरूरी नहीं है कि 2 करोड़ होंगे तभी दान करोगे, न किसी का भय हो।
क्योंकि एक दिन मरना सबको है। न किसी का शोक न हानि, ये 10 लक्षण जिसमें है वो संत है। और इसीलिए हमारे भगवान राम जी ने विभीषण को संत बतलाया। तुम सारे थे संत प्रिय मोरे, तुम सारे थे संत प्रिय मोरे। धारा हो देहा नहीं आन निहो रे, धारा हो देह नहीं आन निहो रे, तुम सारे के संत प्रिय मोरे, संत प्रिय मोरे। भीषण कहता है, नाथ दशानन कर्मे भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। महाराज मैं तो राक्षस हूं। राम जी कहते, नहीं नहीं विभीषण, तू तो संत है और तेरे जैसे संतों के लिए ही मैं अवतार लेता हूं। धरो देह, मैंने ये अवतार तेरे जैसे संतों के लिए लिया है। क्यों? विभीषण में 10 लक्षण थे। अक्रोध, रावण ने लात मारी तो गाली तो विभीषण भी दे सकता था। चलो रावण बलवान था, परंतु विभीषण ने क्या कहा? तुम पितु सरिस भले मोए मारा, राम भजे हितना तुम्हारा। रावण की लात का बदला गाली या कठोर शब्दों से नहीं दिया। आप मेरे पिताजी के समान हो, भगवान राम जी का भजन करो, कल्याण हो। ये था अक्रोध। रावण ने लात मारी, पैर पकड़ लेता, महाराज मैं बिना घर हो जाऊंगा, मेरी पत्नी यहां है, मेरे बच्चे यहां है, मुझे मत निकालो। परंतु वैराग्य, एक क्षण में लंका जैसी संपत्ति को छोड़ के राम जी की शरण में चल दिया। बोले, कन्दमूल फल खाके राम जी के चरणों में रहूंगा, खुले आकाश में रहूंगा, इस संपत्ति में नहीं रहना। वैराग्य, इंद्रियों को जीता। लंका में 56 भोग खाने वाला विभीषण राम जी की शरण में बंदरों के साथ कंदमूल फल राम जी का प्रसाद खा रहा। जिन बंदरों ने विभीषण पर शंका की, भेद लेन, ये हमारा भेद लेने आया, इसे बांध लो, आज वही बंदरों में इतना प्रिय विभीषण हो गया कि सब कहते हैं विभीषण जी से पूछो क्या करना है, विभीषण जी से पूछो। जनक प्रियत्वम निर्लोभ, राम जी से ये नहीं कहा मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे लंका का राजा बना दो। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीत सरिसो वही। भय नहीं था कि यदि रावण ने राम जी को जीत लिया तो मेरा क्या होगा। शोक नहीं, रावण के सारे योद्धा मारे गए। रावण ने विभीषण के पुत्र शक्ति से कहा, तेरे पिता की करणी का फल है कि मेरे सारे पुत्र पौत्र बंधु मारे गए। मैं यज्ञ कर रहा हूं, आज का युद्ध संभालने के लिए मेरे पास कोई योद्धा नहीं है। तो विभीषण के पुत्र ने कहा, आज का युद्ध हम संभालेंगे। और सारथी के रूप में उसकी पत्नी पुरुष भेष में रथ पर बैठ गई। जब कोई योद्धा लड़ने आता था तो विभीषण उसका परिचय कराता था, राम जी ये रावण का पौत्र है, ये रावण का पुत्र है, ये रावण का भतीजा है। पर आज विभीषण ने कोई परिचय नहीं कराया। जब अपना पुत्र लड़ने आया, विभीषण एक ओर जाके बैठ गया। विभीषण के पुत्र ने कहा, मैं सिवाय राम के किसी और से युद्ध नहीं करूंगा। भगवान राम जी ने कहा, ठीक है। एक बाण से सारथी मारा, एक बाण से पुत्र को मार दिया, पर विभीषण को करुणा नहीं आई। जब सारथी को देखा तो विभीषण की आंख से आंसू आए। राम जी ने कहा, ये क्यों, इस योद्धा से मरने से आपको दुख हुआ? बोले, नहीं नहीं, इसको तो मरना ही था। इसके कारण ये जो निरपराध सारथी मारी गई। बोले, मारी गई? बोले, हाँ, ये योद्धा नहीं थी, ये इसकी पत्नी थी। भगवान राम जी बोले, विभीषण ये अनर्थ किया, हमें बतलाया नहीं,
हम लंका छोड़ देते, सीता छोड़ देते, पर तेरे पुत्र को नहीं मारते। विभीषण कहता है कि यदि मैं बतला देता तो मेरा धर्म नष्ट हो जाता। कि अपने पुत्र के शोक से बचने के लिए विभीषण ने राम जी को भेद बतला दिया। इसलिए साधु का न कोई अपना होता है, न पराया होता है। ना हम किसी के, न कोई हमारा, केवल चरण का तेरा सहारा। ना हम किसी के, ना कोई हमारा, केवल चरण का तेरा सहारा। ना हम किसी के भैया, कोई हमारा, केवल चरण का तेरा सहारा। ना हम किसी का, कोई हमारा, केवल चरण का तेरा सहारा। पाप के बोझ से डूबे ये नैया, कौशल राज है।
राधा रानी। सो गए क्या? ये नहीं बोलोगे तो हम तो यही मानेंगे कि अब नींद दो तरह की होती है, एक आंख वाली नींद और एक भवसागर वाली नींद। और एक बात याद रखना, जागा सो पाया और सोया सो, तो अब आपके ऊपर है, जागो या सो जाओ। तो चार घाट के चार वक्ता और चार श्रोता हैं। सबसे पहले ये रामचरित मां पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह सैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह सैल कुमारी। जो संसार का कल्याण करने वाली हितकारी कथा वो माँ पार्वती जी पूछ रही हैं। और इस राम कथा के बैनर में हमने इस चौपाई में एक परिवर्तन करा दिया था, कथा जो सकल लोक हितकारी सोई सुनना चह कृष्ण प्यारी। पूछ रही हैं पार्वती जी और सुनना चाहती हैं कृष्ण प्यारी, क्यों लिखाया और क्या आपस में संबंध है। मैना सुनेना और धन्या, पार्वती जी की माता का क्या नाम है? मैना। और श्री सीता जी किशोरी जी की माता का नाम है सुनेना। और धन्या ने दूसरा जन्म लिया, उनका नाम था कीर्ति महारानी। ये तीनों पूर्वजों की कन्या हैं, मैना सुनेना धन्या, फिर सुन लीजिए। और तीनों आपस में बहन हैं। मैना की पुत्री पार्वती हुई, सुनेना की पुत्री श्री सीता जी हुई और धन्या कीर्ति की पुत्री श्री राधा रानी हुई। तो ये तीनों आपस में कौन हो गए? तीनों बहन हैं। और तीनों का प्रभाव क्या है? पार्वती जी कौन है? अजा अनादि, अजा अनादि शक्ति अविनाशिन और सदा शंभु अर्धंग निवास। माँ पार्वती अजन्मा है, अनादि है, सारी शक्तियों की प्रधान है और सदैव शंकर जी के मामंग में अर्धनारीश्वर के रूप में रहने वाली उनकी प्रिया है। और सीता जी बोले, जासुवंश उपजई गुण खानी अगुणित लक्ष्य उमा ब्रह्मांड। श्री सीता जी के एक एक अंश से अनेकों उमा ब्रह्माणी और लक्ष्मी पैदा होती है। मैं अनादि पर शक्ति हूं सर्व शक्ति ममांस। श्री सीता जी भी अनादि शक्ति हैं और श्री राधा जी को देवी भागवत में अनादि शक्ति बतलाया गया है। तो तीनों आपस में बहन हैं और तीनों ही अनादि शक्ति हैं। एक ने कथा पूछी और एक ने कथा की। कथा किसने की? कि सीता जी ने राम जी के साथ वन वन गई, रावण की लंका में गई और राक्षसों का संहार कराया। कथा पूछी किसने? बोले माँ पार्वती ने, कि जो कथा सब लोगों के हितकारी है उसे सुनाओ। तो अब तीसरी बहन रह गई,
तो उनको सुनाने के लिए हमने ये चौपाई बनाई कि कथा जो सकल लोक हितकारी सोई सुनना चह कृष्ण। पार्वती ने पूछी, सीता जी ने इस कथा को चरित्र किया और मैया राधा जी ने इसे सुना और नंद यशोदा को सुनाया। इसलिए बरसाना धाम में इस राम कथा का आयोजन सबसे ज्यादा महत्व रखता है कि श्री राधा जी ने राम कथा नंद यशोदा को राम नाम का प्रभाव सुनाया। और मैना सुनेना धन्या से इन तीनों माताओं का जन्म है, तीनों का परस्पर में संबंध है। इसीलिए राम कथा में सम्मिलित न होने पर भी प्रधान भूमिका श्री राधा रानी की है। बोलो जय श्री राधे। तो राम कथा में प्रवेश करते हैं कि गोस्वामी जी ने चार घाट, चार वक्ता, चार श्रोता बतलाए। तो कलिकाल में जो कथा होती है उसके लिए एक बार त्रेता युग की घटना है कि त्रेता युग में प्रयाग कुंभ के अवसर पर संपूर्ण संतजन महर्षि भरद्वाज के आश्रम में प्रयाग में गए। व्यापारी जब इकट्ठे होते हैं तो व्यापार की चर्चा करते हैं, संसारी इकट्ठे होते हैं तो संसार की चर्चा करते हैं, पर जब संत इकट्ठे होते हैं तो संसार के कल्याण की चर्चा होती है। श्रीमद् भागवत के 6 प्रश्न हैं। श्रीमद् भागवत 6 प्रश्नों पर आधारित है, जिसका सुखदेव जी ने एक एक प्रश्न का उत्तर दो दो स्कंद में दिया, 12 स्कंद में। पर रामचरितमानस चारों श्रोताओं ने एक ही प्रश्न किया और चारों वक्ताओं का एक ही उत्तर था। सबसे पहला प्रश्न मां पार्वती का कि प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपई मुनि ध्यान। वो राम जो प्रभु फिरत विपिन में देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। एक राम को मैंने आपके साथ जंगल में देखा था कि मुनियों जैसा वेश धारण करके अपनी पत्नी के वियोग में वो जंगल जंगल भटक रहे थे। क्या वही राम, वो ब्रह्म राम है जिसका बड़े बड़े मुनिजन ध्यान धरते हैं, या जंगल में भटकने वाला राम कोई और था और जिसका मुनिजन ध्यान धरते हैं वो राम कोई और है? ये एक घाट के श्रोता का प्रश्न था। दूसरे घाट के श्रोता हैं गरुड़ जी, उनका प्रश्न भी यही आ गया। बोले भाभू बंधन से छूटे नर जप जाकर नाम, और खर्व निशाचर माधेव नाग पास सोई राम। महाराज, जिस राम नाम को जपने से लोग भवबंधन से छूट जाते हैं, एक छोटे से राक्षस मेघनाद ने उन राम को नागपांस में बांध दिया और वो राम अपनी नागपांस नहीं काट सके, मैंने काट दिया।